डेली करेंट अफेयर्स स्पेशल जीके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वीएस पठानिया ने भारतीय तटरक्ष बल के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। गृह मंत्रालय ने एनजीओ के FCRA रजिस्ट्रेशन की वैधता 3 महीने बढ़ाकर 31 मार्च तक की। तीसरा, सरकार ने चुनावी बांड की 19वीं किश्त को मंजूरी दी। चौथा, IAF प्रमुख ने दक्षिण कोरिया के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत की। पांचवा, मध्य प्रदेश को मिली 15,381,072 करोड़ रुपये की पेयजल आपूर्ति की। छठा, 24 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार $587 मिलियन घटकर 635.08 बिलियन डॉलर रह गया। सातवां, जीएसटी ने टेक्सटाइल पर जीएसटी दर 5% पर यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया। आठवां और आखिर, विनय कुमार त्रिपाठी बने रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन CIO।